एक्चुअल में यार बोट एयर दोस्त वन फॉर वन सीरीज काफी फेमस है, तो काफी सारे ईयरफोन्स हमने देखे, प्रो वेरिएंट, नियो वेरिएंट एंड ये है एएनसी वाला वेरिएंट। कंप्लीट रिव्यू आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आपको बेस्ट डील चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर। कंटेंट पैकेजिंग वाइज थोड़ी सी सॉलिड पैकिंग आपको मिलती है, कुछ की फीचर आपको दिख जाएंगे सामने की तरफ। इनसाइड द बॉक्स आपको ढेरों सारे पेपर वर्क मिलते हैं, एक बोट हेड स्टिकर है। ये एक मेड इन इंडिया यूनिट नहीं है, मेड इन चाइना वाली यूनिट है। एक टाइप सी की चार्जिंग केबल मिलते हैं, टू पेयर ऑफ एक्स्ट्रा एडिटिव्स मिलते हैं, चार्जिंग केस के साथ आपके ईयरबड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। केस की बिल्ड क्वालिटी यार काफी अच्छी है, डिफरेंट मटेरियल इन्होंने यूज किया हुआ है, ग्लोसी मैट दोनों को कंबाइन करके एक मटेरियल इन्होंने यूज किया है एंड काफी सॉलिड होती है। केस इतना बड़ा नहीं, आपके हाथ में इजीली हाइड हो जाएगा। रही बात ये फोन्स की, तो ये आते हैं आपके स्टैम्प सेट में, इन पे भी काफी यूनिक पैटर्न यूज किया, बोल सकते हैं भाई काफी अच्छा काम किया इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी एंड अट्रैक्टिव बनाने के लिए। मैट ग्लोसी एंड शाइनी फिनिश का यहाँ पे यूज है। ईयर फिटिंग आपको काफी अच्छी वाली मिल जाती है, लाइक एक सिक्योर टाइट ईयर फिटिंग है, रनिंग जॉगिंग के लिए परफेक्ट होने वाले हैं। IPX 5 का साथ आता है, तो स्वेट रेजिस्टेंट के साथ वाटर रेजिस्टेंट लेवल ये कंटेन करते हैं, तो जिम वगैरह के टाइम पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एंड गिरेंगे भी नहीं। अगर आपको ईयर फिटिंग से दिक्कत है चेंज कर सकते हैं इसकी है टिप्स स्मॉल एंड लार्ज में। बाकी कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले ईयरफोन्स पे जो रैपर है उसको हटाएं, वापस से केस में रखेंगे, कनेक्ट करने के लिए आपको ऑप्शन आ जाएगा फोन में। 5.3 कंटेन करता है एंड 10 से 15 मीटर की रेंज आपको मिल जाती है बिना कोई दिक्कत के। 10mm के साउंड ड्राइवर्स हैं यहाँ पे हैं एंड आपको एक बेस एंड बैलेंस साउंड दो ऑप्शन बेसिकली मिलते हैं, लाइक अबाउट सिग्नेचर साउंड हो गया एंड एक बैलेंस साउंड, दो आपको इक्विलाइजर मोड मिलते हैं जो कि आप ईयरबड्स का यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी, बेस थोड़ा सा कम मेरे को लगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्लैरिटी भी अच्छी है, बेस भी ठीक है, एवरेज बोल सकते हैं एंड ओवरऑल वॉल्यूम लेवल्स आर गुड इनफ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिकॉज एक टाइट आइसोलेशन आपको मिल जाती है, साथ साथ ANC मिलता है, तो अगर आप ANC इनेबल करते हैं डेफिनेटली आपके एनवायरमेंट का नॉइस कम होगा एंड आपको एक बेटर म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। ANC जो है वो 32 dB की है। अब ऑन कैसे करेंगे उसको, राइट ईयरबड को लॉन्ग होल्ड करके आप ANC एंड एम्बियंट मोड में स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में आप रख सकते हैं। एम्बियंट मोड का फायदा क्या होता है, आप सुनना चाहते हैं आपके आसपास क्या चीजें चल रही हैं तो वो आप एम्बिएंट मोड से सुन सकते हैं, बट ANC सबको म्यूट कर देती है। 32 dB इज लाइक ओके, फैन AC का साउंड ऑलमोस्ट 90% आपको नहीं सुनने वाला, अगर आप म्यूजिक सुन रहे बिना म्यूजिक के 50% कम हो जाता है। टच कंट्रोल यार एज यूजुअल यहां पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलेगी, बाकी सब चीज आपको मिल जाते हैं, कोल एक्सेप्ट डिक्लाइन, ANC ऑन, ANC ऑफ, म्यूजिक प्ले पोज, नेक्स्ट प्रीवियस, सब कुछ आप कर सकते हैं यार, इवन दो गेम मोड एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बट यार मेरे को एक चीज यहाँ पे नहीं मिली, वो है वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन, बट लेट इट बी। गेमिंग पे आ गए तो बात कर लेते हैं, 50 ms की यहाँ पे लो लेटेंसी दी गई है एंड आप उसको इनेबल कैसे करेंगे, लेफ्ट या बर्ड को 3 टैप करके आप गेम मोड इनेबल कर सकते हैं। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, इन गेम सेपरेशन आर गुड, डिले इज गुड एज वेल, तो आप कैजुअल गेमिंग, इंटरमीडिएट लेवल गेमिंग कर सकते हैं, काफी मिनिमल सी आपको लेटेंसी देखने के लिए मिलती है एंड गेमिंग के लिहाज से भी ये काफी अच्छे है। वॉइस सेपरेशन के साथ अगर आपको कम्युनिकेट करना विद योर टीममेट या किसी के साथ भी, तो वो भी आपको अच्छा मिल जाता है बिकॉज ऑफ क्वाड माइक्रोफोन सेटअप। तो यार ये है एयरडॉप्स 1 for 1 ANC एंड ANC वाला वेरिएंट, तो यार अभी लॉन्च भी नहीं हुआ बट मैंने परचेज किया इसको, मेरे को अराउंड 2100 रुपए के पड़े हैं एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 35 और 32 dB की एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन आपको मिलती है और ऑल माइक्रोफोन परफॉर्मेंस मैंने नॉर्मली कोल्ड पे चेक किया तो काफी अमेजिंग आ रही थी, बट यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस के साथ इसका कोल्ड टेस्ट हो रहा है, तो आप बता सकते हैं भाई कैसा इसका माइक्रोफोन लगा, डू लेट मी नो इन द चैट। एंड क्वाड माइक्रोफोन सेटअप हमने टेस्ट किया आउटडोर में एंड रिजल्ट आर अमेजिंग, आप बात कर रहे हैं सामने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आप एक्सट्रीम नॉइस में भी है, नॉइस काफी हद तक यहाँ पे म्यूट हो जाती है, ये कम हो जाती है, जिससे कि ओवरऑल जो कोरिंग एक्सपीरियंस है वो आपके लिए अमेजिंग बनने वाला है। एंड अगर आपको डिस्टर्बेंस नहीं सुनना आपके अराउंड जो डिस्टर्बेंस है, तो आप ANC ऑन करके रखना, जिससे कि कॉलिंग पे आप हो तो आपको डिस्टर्बेंस कम सुनाई दे, सामने वाले की आवाज आपको क्लियरली सुनाई दे। बैटरी बैकअप के लिहाज से यार 42 hours का बैटरी बैकअप यहाँ पे आपको मिलता है, 6 घंटा ये फोन से एंड 36 hours आपको केस से। केस का चार्जिंग टाइम है 1.5 घंटा एंड ईयरबड का चार्जिंग टाइम है आपका 45 मिनट, तो फास्ट चार्जिंग मैं बोल सकता हूँ एंड यार काफी अच्छी मेरे को लगे। बैटरी बैकअप भी मैं बोल सकता हूँ एवरेज साइड है, केस में आपको 400 mAh की बैटरी मिलेगी एंड ये फोन 35 mAh की बैटरी कंटेन करते हैं, तो चार्जिंग टाइम ठीक है, बैटरी बैकअप ठीक है, बट ANC के साथ 6 घंटा आप एक्सपेक्ट मत करना, ANC के साथ आपको मिलेगा 4 घंटा 4.5 घंटा, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। और
SBC एंड AAC दोनों के दोनों कोडेक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो कंक्लूजन वाइज अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या आपको बेटर मिलता है इन ईयरफोन से, सबसे पहले आपको 32 dB की एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिल जाती है। बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है, गेमिंग के लिए लो लेटेंसी भी है, बेटर माइक्रोफोन है फॉर बेस्ट कॉलिंग। लाइक अगर मेरे को 10 में से रेट करना हो, म्यूजिक वाइज मैं इसको 8 रेट करूंगा, तो डेफिनेटली आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। मतलब नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।